बिना मिनट न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दूध के बोतल में शराब देता था पिता, तीन दिन से भूखी बच्ची को DCW ने बचाया। दिल्ली महिला आयोग ने शुक्रवार को 181 महिला हेल्पलाइन पर शिकायत मिलने के बाद दिल्ली के प्रेम नगर इलाके में 3 साल की नाबालिग बच्ची को बचाया, जहाँ बच्ची की मां मर चुकी है। यह घटना दिल्ली की दर्शाई जाती है, जहां 3 साल की बच्ची को मल मूत्र में पड़ी हुई थी। वह बहुत ही दुर्बल थी और बहुत बीमार लग रही थी। उसके पूरे शरीर पर संक्रमण के निशान थे। आयोग टीम ने पाया कि बच्ची का पिता उसी के कमरे में सो रहा था। कमरे में कई सारी खाली शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। देता था दूध की बोतल में शराब। पड़ोसियों ने बताया कि वह आदमी शराबी था और वह घंटों तक ऐसे ही सोता रहता था, जबकि बच्ची मलमूत्र और गंदगी के कारण रोती रहती थी। पड़ोसियों ने आयोग की टीम को बताया कि बच्ची की मां 1 साल पहले ही मर चुकी थी और उसका पिता रिक्शा चलाता है। ज्यादातर समय शराब के नशे में रहता था, इसलिए वह बच्ची को देखभाल तक नहीं कर सकता था। वह जब काम पर बाहर जाता था तो बच्ची को कमरे में अकेला छोड़ जाता था और पड़ोसियों मदद करने तक नहीं देता था। उन्होंने यह भी बताया कि वह बच्ची को शराब दूध की बोतल में डालकर पिलाता था। कोई यह नहीं जानता था कि वह बच्ची को किस समय खाना खिलाता था कि नहीं खिलाता था। इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। जब महिला आयोग की टीम ने पिता को जबरदस्ती से जगाया तो वह हिंसक हो गया और बच्ची को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। आयोग की टीम ने तब पुलिस को बुलाया और बच्ची और उसके पिता का SHO में पेश कर दिया। हालांकि इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। आयोग की टीम ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के गुप्ता में गंदे डायपर और कम साफ सफाई होने की वजह से बहुत संक्रमण हो गया है। उसे तेज बुखार और उसके शरीर में कई चोटें आई हैं। बच्ची का इलाज शुरू है, हर तरह से देखभाल की जा रही है और ठीक होने के बाद शेल्टर होम ले जाया जाएगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।